विधायक हैं जी, उनका हम लोग सांस्कृतिक श्राद्ध करने वाले हैं यहाँ। श्राद्ध होगा? हाँ, श्राद्ध करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बास काट लिए हैं? हाँ, वो लोग वोट के लिए आए, हम लोग श्राद्ध की पूर्ण रूप से तैयारी करेंगे। श्राद्ध होगा? हाँ, एकदम श्राद्ध होगा। बास उस कटा गया? हाँ, सब कुछ हो गया है। चंदन का लकड़ी? हाँ, चंदन का लकड़ी, धूप वगैरह सब आ गया है। अब उन लोगों का श्राद्ध करना। मौजूदगी गोपालगंज जिले के बरौली विधानसभा के माझागढ़ प्रखंड के बांगरा पंचायत में है, और बांगरा पंचायत में बरौली विधानसभा के विधायक जी का, यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी का, यहाँ के बांगरा पंचायत के मुखिया जी का, यहाँ के माननीय वार्ड सदस्यों का इस बांगरा पंचायत के देवरिया गांव में स्वागत है। आप सभी आइए वोट के लिए। यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब नेताजी आएंगे और वोटवा लेके जाएंगे। और यहाँ के लोगों का कहना है कि सिर्फ इतना ही नहीं, अब श्राद्ध संस्कार का भी तैयारी में है हम लोग। अब किसका श्राद्ध संस्कार होगा यहाँ पे, अब यहाँ के लोग ही बताएंगे। यहाँ से हम मिलवाते हैं यहाँ के लोगों से। उसके पहले ये दिखाइए, इधर दिखाइए, थोड़ा सा वहाँ तक पानी दिखाइए, और मेरे पीछे देखिए बाइक लगा हुआ है। देखिए आधा बाइक जो है डबल स्टैंड लगाने के बाद भी वो बाइक डूबा हुआ है, वो थोड़ा साइड में है। अगर स्टैंड से उतार दिया जाए तो आधा जो है चक्का डूब जाएगा। और यहाँ भी दिखाइए, ये भाई साहब हैं, इनका देखिए चक्का जो है आधा डूबा हुआ है। एक देखिए वहाँ पे चाचा है, वो देखिए और क्या कहते हैं गाय भैंस के लिए वो लेहना लेके आ रहे हैं। देखिए कैसे जो है वो पार हो रहे हैं, बैतरनी बैतरनी हेल रहे हैं वो। अब यहाँ पे जो है श्राद्ध संस्कार नहीं होगा नेताओं का तो कहाँ पे होगा? क्या नाम है भी आपका? बबलू सिंह। क्या किस तैयारी में है आप लोग? हम लोग यहाँ पूरा पंचायत समिति, जो समिति है, मुखिया है जी, वार्ड है जी, हमारे विधायक है जी, उनका हम लोग सांस्कृतिक श्राद्ध करने वाले हैं यहाँ। श्राद्ध होगा? हाँ, श्राद्ध करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बास काट लिए हैं? हाँ, वो लोग वोट के लिए आए, हम लोग श्राद्ध की पूर्ण रूप से तैयारी करेंगे उनके लिए। श्राद्ध की तैयारी चल रही है क्या चाचा? हाँ हाँ, श्राद्ध होगा? हाँ, एकदम श्राद्ध होगा। बास कटा गया? हाँ, सब कुछ हो गया है। चंदन का लकड़ी? हाँ, चंदन का लकड़ी, धूप वगैरह सब आ गया है। अब उन लोगों का श्राद्ध करना है, बस यही हम लोगों का। क्या नाम है आपका? काशीनाथ सिंह। अच्छा, आपका क्या नाम है? श्री मंगल यादव। यादव जी, बात तो सरकारें है, बताइएगा, ये देखिएगा आप ही का गांव है ना। अरे सरकार तो है, मगर क्या सरकार दे रही है, कुछ दे रही है? रोड तो कितना दिन से ऐसे पड़ा है, कभी बना नहीं है। तो आपके विधायक राम परवेश राय जी है ना? हाँ, राम परवेश राय है। उनसे मिले नहीं आप लोग? मिले, वो आते हैं तो देखते नहीं हैं, हर बार आते हैं तो देखते हैं ना। वो आते हैं? हाँ, आते हैं नहीं। अच्छा, यहाँ का कंडीशन तो हमेशा से ऐसा ही है। तो बंगारा का वोट लेंगे, देवरिया का थोड़ी वोट लेंगे। तो क्या भैया, यहाँ का तो कंडीशन कितने वर्षों से? कंडीशन यहाँ तो 15 साल से यही दशा चल रहा है इस वार्ड का, 15 नंबर वार्ड का। यहाँ ना BDC, ना वार्ड, ना मुखिया, ना विधायक, कोई काम करने लायक नहीं है। खाली बस वोट के टाइम में आएंगे और हमको वोट चाहिए। कुछ चुनिंदे उनके चेले हैं, चमचे जी, बस वो आएंगे। हाँ, ये वोट सही है, ये सही है, इसके अलावा कुछ करने वाले नहीं है। बस वोट के सामने आएंगे, जो वोट मिल जाए तो आएंगे ना। फिर 2024 में 2024 में आएंगे तो अभी हम लोग श्राद्ध का तैयारी करके रख नहीं रहे हैं। श्राद्ध का तैयारी हो गया? जितने प्रत्याशी हैं आए ना, अब श्राद्ध होगा इस पंचायत में। यह है बांगरा पंचायत, गोपालगंज जिले का बांगरा पंचायत है। देखिए यहाँ पे खड़े हैं, बिल्कुल भैया, क्या नाम होगा आपका? नीरज कुमार सिंह। तो आप लोग एकदम बिल्कुल तैयारी कर लिए हैं? एकदम तैयारी कर लिए हैं। यहाँ ये लोग आए और वोट लेके जाए, और हर साल के मतलब तहत, और सिर्फ ये लोग को वोट से मतलब है, काम से मतलब नहीं है। और हर साल की भांति इस साल भी आइए। स्वागत है बांगरा पंचायत, स्वागत है ये लोग का। इस बार जूता चप्पल से स्वागत किया जाएगा। जूतों चप्पल तैयार है, देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ की ग्रामीण जनता जो है कितनी आक्रोशित है। और आप देख सकते हैं मैं रोड पे खड़ा हूँ, और मेरा देखिए इतना जो है पैर पानी में है। ये रोड है, यह जो है रोड है, रोड का स्थिति ये है। क्या नाम है? अच्छा, रामाधर पंडित। हम चाहेंगे कि वोट देना ही नहीं अगली बार किसी को, वोट देना ही नहीं, नहीं। इस बूथ पे वोट बंद किया जाए, बिल्कुल नहीं देना है। जब तक ये रोड नहीं बनेगा, क्लियर नहीं हुआ रोड, वोट किसी को नहीं देना है, चाहे वो BDC हो, चाहे मुखिया हो, चाहे वार्ड हो, चाहे कोई भी सदस्य हो, वोट नहीं देना है। बस किसी को नहीं देना है किसी को। जो काम करेगा उसको देंगे, नहीं करेगा नहीं देंगे।
तो 15 साल से ये स्थिति है आपके गांव का जी। 15 साल में अभी यहाँ नींद खुला है आप लोगों का? अरे खुला है, अरे पहले भी ये हो चुका है, अब भी हो चुका है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ कहने के लिए है कि हाँ कर देंगे, कोई नहीं कर रहा है। क्या नाम है चा? मेरा नाम अलियस गरीजवी है। कहाँ जा रहे हैं ये लेके? घास लेके जा रहे हैं, मवेशी खाने के लिए चारा लेके जा रहे हैं, लेकिन देखिए रोड का हाल। आपका घर यहीं पे है? हाँ, बगल में मेरा घर है। तो ये स्थिति 15 वर्षों से ऐसा बना हुआ ऐसे है, आ रहा है और कहा जा रहा है कि श्राद्ध संस्कार की तैयारी में है। इस रोड के लिए यहाँ के BDO साहब से भी जो है मीटिंग हुआ है, विधायक जी भी बोले हैं कि जो है करा देंगे, लेकिन कोई कराता नहीं है। मुखिया तो यहाँ आते ही नहीं है, मुखिया को इस पंचायत से कोई मतलब नहीं है। मुखिया का घर पिठौरी में है जी, उनको पिठौरी से मतलब है, पिठौरी का भी वही हाल है, जर्जर हाल है, जो से वहाँ भी कुछ नहीं हुआ है। और ये रोड जो देख रहे हैं आप, ये मांझा प्रखंड का जो है कि मुख्य जो है कि रूट है, मुख्य मुख्य सड़क है, जहाँ बांगरा से निकलते हैं जो है कि जाते हैं मांझा के लिए, प्रखंड के लिए, लेकिन किसी का जो है कि इस पर ध्यान नहीं है। विधायक जी तो देखिए 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 एक व्यक्ति जो है वहाँ पे कैसे वो गिर गए, थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइए वहाँ पे, मतलब कितनी समस्याएं हैं। जब इलेक्शन आता है तो बोला जाता है कि जनता मालिक है, जनता को मालिक बना दिया जाता है, मालिकाना हक दे दिया जाता है। आज वो जनता त्राही माम है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है, क्या जी? हाँ, सही बात है। तो आप लोग मालिक है ना, मालिक को थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा तो क्या हो गया? आप तो मालिक है, आप विधायक बना दे रहे हैं, मुखिया बना रहे हैं, सांसद बना रहे हैं, तो मालिक को थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा तो क्या दिक्कत? नहीं तो उन लोग का मजा है ना, है मालिक भाड़ में जाए, जनता भाड़ में जाए, वो लोग अपना सुख चैन से जिंदगी जी रहे हैं ना। हाँ, जी, इस गांव में जल नल आज 2 साल हो गया जल नल का पानी आते हुए, और सरकार यही पानी पीने के लायक हम लोग है, पानी जल नल का जनता मालिक है, मालिक पानी पिएगा बारिश का। हाँ तो इस बार अब हम लोग वोट दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, एकदम अब वोट दिया जाएगा, वोट दिया जाएगा इसी बूथ पे। रामपरवेशो राय का, रामपरवेश राय को भी हम लोग बुला रहे हैं, अगर आ जाए, मतलब क्या बोलते हैं, भूल चूक से भी आ जाते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे अच्छा से, विधायक जी का। यहाँ पे इतना परेशानी है भैया कि जितना लोग आ रहे हैं अदर गांव के लिए, सब लोग इसमें गिर जा रहे हैं, गालियों देता होगा, गालियों देके जाता है, गाली तो इतना अच्छा अच्छा देता है कि हम लोग का कान फट जाता है। और रहा बात की वो लोग का पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, हम लोग उठाते उठाते हैरान हो गए हैं, पता नहीं कहाँ का प्रशासन सोया हुआ है कि CO साहब BDO साहब क्या कर रहे हैं हमको समझ। ये जो है बिहार में सबसे ज्यादा जातिवाद होता है, और यहाँ पे यादव जी से लेकर राजपूत जी ले सब कोई परेशान है, सभी लोग परेशान, सभी जात के लोग परेशान है, लेकिन पत्रकारिता भी आजकल जो है जातिवाद में बट गया है। वो सब नहीं आके यहाँ दिखाएगा, वो पत्रकारवा यहाँ नहीं आएगा ये सब दिखाने के लिए, वो खाली अपने जात का प्रतिनिधित्व करता है, वो नेता है कौन? यहाँ आओ ना, दिखाओ ना, यहाँ सब जात का लोग परेशान है कि नहीं है, सभी जाति के लोग परेशान हैं। और जो लोकतंत्र के मालिक आप लोग बोलते हैं नेतागण, कि लोकतंत्र के मालिक भी यहाँ परेशान है, और आप लोग का श्राद्ध करने की तैयारी में है बांगरा पंचायत के देवरिया गांव के लोग।